डॉक्टर सुभाष चंद्रा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया। ये मेरी पहली मेडन स्पीच है इस हाउस में, और मैं ये पता नहीं मुझे मैं कहूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है या सौभाग्य की बात है, लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ दिस हाउस मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं इस सदन को आपके माध्यम से, कि कल रात तक मुझे नहीं पता था कि जो आज अमेंडमेंट आने वाली है वो कोई अच्छी आएंगी या बुरी आएंगी। उस समय तक ये हमको नहीं पता था, लेकिन जब आज सुबह ये अमेंडमेंट हमने सुनी है तो मैं अंदर से गदगद हो गया, और इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और इस सरकार को एक इंडिपेंडेंट मेंबर होने के नाते बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये अमेंडमेंट लाए। इसका कारण भी सभापति महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा। 1994-95 में पाकिस्तान में जनरल चुनाव थे, वहां की पार्लियामेंट के चुनाव थे, श्रीमती बेनजीर भुट्टो उस समय की प्रधानमंत्री वहां थी। वहां केवल दूरदर्शन के बराबर पाकिस्तान टेलीविजन था या हमारा जी टीवी वहां देखा जाता था, और मिसेस बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ और आज के प्रधानमंत्री इमरान खान के चुनाव प्रसार को बैन कर दिया था पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर। हमने वहां से लंदन से अपनी टीमों को भेजा, वहां पूरे पाकिस्तान में हमने सभी का प्रचार प्रसार बराबरी से किया, और वहां की सरकार ने उसके बाद हम लोगों को वहां पे एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया, और मुझे वहां की जो जुडिशरी समिति है, उनकी एक एसोसिएशन है जुडिशियल समिति, उन्होंने मुझे वहां पे डिनर पे बुलाया, और बात चर्चा करते करते उन्होंने एक जिक्र किया कि अगर आपकी सरकार वहां पर धारा 370 खत्म कर दे तो कश्मीर का विषय ही आपके यहां से खत्म हो जाएगा। ये बात महोदय 1994-95 की। वहां से वापस आने के बाद मैंने सभी राजनीतिक दलों में मेरे जो मित्र हैं, और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से अधिक मेरे मित्र कांग्रेस पार्टी में, उन सबसे पूछा, सभी पार्टियों से पूछा कि भाई ये धारा 370 क्यों आप हटा नहीं रहे हैं। सबने ये कहा कि हटानी चाहिए, लेकिन ये एक बड़ा पॉलिटिकल इश्यू है, इसके अंदर पॉलिटिकली किसी को सूट नहीं करता, हमको सूट नहीं करता, इसलिए हम नहीं हटा रहे। तो ये एक बात जब थी, और उस बात को मुझे आज सुबह याद आया, तभी मैं आपको साधुवाद दे रहा हूं कि आप ये बिल लेके आए और बहुत अच्छा किया। आज इसी सदन में मेरे मित्र लीडर ऑपोजिशन अभी नहीं है, शायद बाहर गए हैं, उन्होंने कहा कि धारा 370 की वजह से देश में कश्मीर का विलय हुआ। ये गलत है महोदय, क्योंकि विलय जब 1947 में हुआ, लेकिन ये 370 की धारा 1949 में लाई गई, इसलिए ये कहना गलत है। और उन्होंने जो ये बात कही कि तब से लेके कश्मीर में अब तक लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, चाहे कश्मीर के बच्चे हों, युवा हों, चाहे कोई और हो, राजनीतिक दल हो, वो जा चुकी है, तो महोदय ये केवल धारा 370 के कारण से ही है कि ये जाने गई हैं। अगर ये धारा 370 ना होती तो आज जो इस सदन में हुआ, दो सदस्यों ने जो किया, जिन्होंने संविधान को का बेइज्जती की, वो ये बात नहीं करते, क्योंकि उनके दिल की बात सामने दिख के आई। उनके मन में कभी भी भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं थी। तो
कृपया अपनी सीट पर जाकर बोले, इस बात हाउस की परंपरा रहने दे, सीट पर जाकर बोले, हाउस ऑफ एल्डर्स है। मैं इस बात को का निर्णय लेने के लिए सक्षम अपने आप को नहीं मानता, जैसा कि मेरे साथी विजय साई रेड्डी ने कहा पंडित नेहरू के विषय में, और घटनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। मैं अपने आप को नहीं मानता कि मैं सक्षम हूं उस बात को ये कहूं कि वो ठीक हुआ कि गलत हुआ। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं, पिछली बातों को देखते हैं, तो ये जरूर सही समझ में आता है कि ये अगर धारा 370 ना होती तो कश्मीर में इतना जो अशांतिपूर्ण वातावरण है वो ना होता। और सभापति महोदय, मैं ये मानता हूं कि इस सदन की और दूसरे सदन की और हम सब की एक जिम्मेवारी बनती है कि हम इस देश के लोगों को, जहां के एक तरफ प्रगति की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन साथ साथ उनके सुख और शांति की भी बात करें। मैं पिछले वर्ष 2018 में वहां कश्मीर गया था, अपना एक सुभाष चंद्रा शो मैं करता हूं युवाओं के साथ, बारामूला में मेरा एक कार्यक्रम था, 2000 युवा वहां पे उपस्थित थे। वहां की उस वक्त की मुख्यमंत्री मैडम महबूबा ने मुझे कहा कि सुभाष जी वहां मत जाइए, मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं वहां गया और 2000 युवकों से मैंने 4 घंटे तक चर्चा की, खुल के चर्चा की, और यहां वापिस आकर दिल्ली में मैंने बताया कि वहां का युवा, वहां का हर कश्मीरी भारत के साथ है, रहना चाहता है, लेकिन ये जो अलगाववादी लोग हैं ये नहीं करने देना चाहते, उनसे वो डरते हैं, उनसे वो चिंता करते हैं, इसलिए वो परेशान है। और वो उन्होंने ये कहा कि आप लोग भी कश्मीरियों को केवल टेररिस्ट मत समझिए, अपने टेलीविजन पर उनको टेररिस्ट मत दिखाइए। मैं महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तब से हमने तो एक प्रण लिया था और आज भी उसको पूरा कर रहे हैं कि हम कश्मीरी लोगों को कभी टेररिस्ट नहीं मानते हैं और ना वो टेररिस्ट हैं। कुछ लोग अलगाववादी हैं जो इस काम के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए मैं एक इंडिपेंडेंट होने के नाते इस आज के बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और इस पर पूरा विचार नहीं, ऑपोजिशन को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने विचार जरूर दें, जिससे कि आपकी बात भी अगर जरूरत हो तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। लेकिन और साथ में कश्मीर जो किसी किस्म से जन्नत था, और वहाँ पे जो एक कहावत है कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वहाँ कश्मीर में है। लेकिन वो स्वर्ग कहाँ गया? आप लोगों ने उसे क्या से क्या बना दिया? आज वो दोखज बन चुका एक जन्नत के नाते। मेरे विचार से ये जो आज का बिल गृह मंत्री जी लाए हैं, ये उस कश्मीर को वापस जन्नत बनाने में मदद करेगा, दोखज से वापस वो जन्नत बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। धन्यवाद सुभाष चंद्र।